जब हम यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाते हैं या हम स्टेट को बांटते हैं तो हम लोकतंत्र को गहरा करते हैं। 1947 में हिंदुस्तान ने राजाओं को महाराजाओं को परे करके लोकतांत्रिक अधिकार हमारी जनता को दिया था। जम्मू कश्मीर चुनाव में आज कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद किया। घाटी में 10 सालों बाद विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद से विधानसभा भंग कर दिया गया था, जिसके बाद परिसीमन हुआ और अब चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता राहुल गांधी ने आज घाटी में चुनावी हुंकार भरी और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। जब हम एक केंद्र शासित प्रदेश को एक राज्य में बदलते हैं तो अधिकार छीन लिए जाते हैं। राहुल गांधी ने यहाँ के लोगों से वादा किया कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। सुनिए राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर की जनता से क्या कुछ कहा। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। मतलब जब हम यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाते हैं या हम स्टेट को बांटते हैं तो हम लोकतंत्र को गहरा करते हैं, अधिकारों को और गहराई से पहुंचाते हैं। मगर जब हम स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाते हैं तो अधिकारों को छीना जाता है और आपके साथ जम्मू कश्मीर के साथ यह अन्याय हुआ है। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट के लोगों से उनके अधिकार छीनकर उनको यूनियन टेरिटरी में बदला गया है। यूनियन टेरिटरी में और स्टेट में बहुत फर्क होता है। स्टेट में असेंबली होती है, लोगों की आवाज होती है, उनके अधिकार होते हैं और स्टेट के लोग अपने स्टेट को चलाते हैं, चाहे वो टूरिज्म हो, बिजनेस हो, माइनिंग हो, जो भी है, स्टेट के लोग स्टेट को चलाते हैं और स्टेट के लोग अपनी असेंबली में अलग अलग कानून बनाते हैं। 1947 में हिंदुस्तान ने राजाओं को महाराजाओं को परे करके लोकतांत्रिक अधिकार हमारी जनता को दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन उसका चिन्ह है। पहली बार एक स्टेट से उनका अधिकार छीना गया है और हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है सिर्फ कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं, सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोगों को नहीं, मगर हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यहां गठबंधन की है और साथ चुनाव लड़ रही है। पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को होनी है, दूसरे चरण की 25 सितंबर को और तीसरे एवं आखिरी चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी, जबकि 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन अब पार्टियों की तरफ से वार पलटवार शुरू हो चुका है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com। धन्यवाद।